हाय फ्रेंड्स वेलकम टू माय चैनल दिस ब्यूटी हैक्स अगर आप चैनल पे नए हैं या फिर ये वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना दैनिक बेल आइकन आएगी वो भी प्रेस करना ताकि वीडियो डालते ही सबसे पहले आपको मिले आप चाहें तो मुझे इंस्टा पे फॉलो कर सकते हैं मेरा फेसबुक पेज लाइक कर सकते हैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा आज के वीडियो में हम सिंपल विंटर हैक्स या फिर आप बोल सकते हैं इंपॉर्टेंट टिप्स जो कि हम इग्नोर कर देते हैं जिससे हमारी स्किन सॉफ्ट नहीं रहती है ड्राई हो जाती है फटने लगती है तो देखते हैं कुछ टिप्स जिससे हमारी स्किन सॉफ़्ट और हेल्थी रहे सबसे पहले तो आपको ड्राई फ्रूट्स खाने चाहिए विंटर में जिससे हमारी स्किन हेल्थी रहती है और हम खुद हेल्थी रहते हैं तो आप काजू बादाम किशमिश अखरोट जैसी चीज़ें अपने बैग में भी कैरी कर सकते हैं अगर आप ऑफिस कॉलेज स्कूल जहाँ भी जाते हैं छोटे से कंटेनर में और टाइम टू तो टाइम आप खाते रहिए सेकंड है आप अपनी स्किन को मॉइस्चराइज रखें जिसकी स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई रहती है वो ऑयल भी लगा सकते हैं जैसे ऑलिव ऑयल लगा सकते हैं वो काफ़ी लाइट रहता है कोकोनट ऑयल लगा सकते हैं आमंड ऑयल लगा सकते हैं जिससे उनकी स्किन ड्राई ना रहे या फिर आप साड़ लेने से पहले भी ऑयल लगा सकते हैं या फिर अपने नहाने वाले पानी में भी ऑयल मिक्स कर सकते हैं या फिर नहाने के बाद ऑयल लगा सकते हैं जैसे भी आपको सही लगे पर आपकी पूरी स्किन मॉइस्चराइज होनी चाहिए आपके क्यूटिकल सेक्शन भी काफ़ी ड्राई हो जाते हैं सर्दियों में आप उस पर भी वैसलीन या फिर कोई क्रीम या फिर कोई ऑयल लगा के रखें और हमारे लिप्स भी काफ़ी ड्राई हो जाते हैं इसके लिए आप लिप बाम बना सकते हैं होममेड मैंने बहुत सी बना रखी हैं आप देखें मैं इस वीडियो में भी एक घी की लिप बाम ऐड करने वाली हूँ आप वो भी देख सकते हैं या फिर आप सिंपली ऑयल लगा सकते हैं घी लगा सकते हैं जो भी आपको सही लगे तो पहले हम देखते हैं होममेड मेड बना इसे सकते बना। हैं तो इसके लिए आपको लेना है वन स्पून घी और इसके बाद आपको इसमें बीस वैक्स मिलाना है और कलर काफ़ी आसान है इसे बनाना और बीस वैक्स नेचुरल वैक्स होता है जो आपको ऑनलाइन आसानी से मिल जाएगा मार्केट में मिलना थोड़ा मुश्किल होता है पर ऑनलाइन आसानी से मिल जाएगा और कुछ ये भी कमेंट करते हैं कि हम इससे अच्छा मार्केट से ले लें बीस वैक्स लेने से अच्छा या फिर कुछ भी लेने से अच्छा तो बीस वैक्स मैंने एक बार लिया था और उससे इतनी सारी चीज़ें मैंने बना चुकी हूँ अपने चैनल पे आपने देखा होगा मैंने बीस वैक्स के बहुत सारे वीडियोज़ बनाए हैं बीस वैक्स बहुत सारे वीडियोज़ में काम में ली है तो फिर आप एक बार मंगवा कर सस्ती सी आती है बहुत सारी लिपस्टिक लिप बाम कॉन्ट और काजल पेंसिल बहुत सारी चीज़ें बना सकते हैं तो एक लिप आ, लिप बाम में कलर डालने के लिए मैं जो मेरे पुराने लिप बाम कंटेनर में जो लिप बाम बची हुई है वही मिला रही हूँ अगर आपके पास आ, कलर कोई और है नेचुरल कलर जैसे बीटरूट पाउडर या फिर आपने बनाया हुआ है मैं ऑलरेडी वीडियो डाल चुकी हूँ कैसे बनाना है या फिर आप कोई और कलर जैसे ग्लिटर पाउडर जो कि मेकअप के लिए आता है वो डालना चाहें तो वो भी डाल सकते हैं और सेकंड वाले में मैं कोई भी कलर नहीं मिलाऊंगी तो पहले आप अपनी लिप बाम कंटेनर को अच्छे से साफ कर लें या फिर आप लिपस्टिक कंटेनर कोई सा भी कंटेनर जो आपके पास हो वो ले सकते हैं और आप चाहें तो ये ग्लिटर पाउडर भी डाल सकते हैं और मैंने थोड़ा सा कलर और मिलाया है आई का और अगर आपको आई मिलाने में कुछ प्रॉब्लम है आपको लगता है आपके लिप्स के लिए सही नहीं है तो आप मेकअप वाला कलर मिला सकते हैं या फिर कोई नेचुरल कलर मिला सकते हैं फिर मैं आप इसको आपको मेल्ट करना है जिससे बीस वैक्स मेल्ट हो जाए फिर आप इसे अपने कंटेनर में फिल कर दीजिए फिर आपको फ्रिजर में रखना है और आपके लिप बम तैयार है तो ये है ट्रांसपेरेंट वाली और सेकेंड वाली है जो हमने पिंक बनाई थी आप अपने बालों पे भी अच्छे से ऑयल लगाएं अच्छे से ऑयलिंग करें आपका जो भी फेवरेट ऑयल है आप वो लगा सकते हैं या फिर दो तीन नेचुरल ऑयल मिक्स करके लगा सकते हैं जैसे कोकोनट ऑयल कैस्टर ऑयल या फिर अपने किसी भी ऑयल में कैस्टर ऑयल भी मिक्स कर सकते हैं क्योंकि वो आपके बालों को थिक बनाता है तो आप अच्छे से हफ़्ते में दो तीन बार ऑयलिंग करें या फिर आप चाहें तो हेयर क्रीम भी लगा सकते हैं जो भी आपको पसंद हो और फिर आप अगर आप पूरा दिन नहीं लगाना चाहते हैं तो हेयर वॉश करने से एक घंटा पहले अच्छे से लगा लें या फिर ओवरनाइट के लिए रख दें यहाँ पर मैं आपको एक क्रैक हील के लिए क्रीम बताने वाली हूँ होम जो बनाना आसान है और इफ़ेक्टिव भी होती है इसके लिए आपको पुरानी मोमबत्तियाँ लेनी हैं उन्हें मेल्ट करना है मेल्ट करने के बाद आप उसमें से धागा हटा दें डबल मॉइलर मेथड से मैं यहाँ इससे मेल्ट कर रही हूँ आपको एक पानी लेना है एक बर्तन में फिर आप ये दूसरे बर्तन में मोमबत्ती रखें फिर आपकी मोमबत्ती मेल्ट हो जाएंगी या फिर सीधा माइक्रोवेव में कर सकते हैं फिर आप धागा हटा दें इसके बाद मैं इसमें कोकोनट ऑयल मिला रही हूँ कोकोनट ऑयल आपको मिलाना है इसमें और फिर आप अपनी क्रैक हील्स पे इसे लगा सकते हैं बहुत ही जल्दी आपकी सही हो जाएंगी आप इसे किसी कंटेनर में स्टोर करके रख सकते हैं होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर से बताना वीडियो को लाइक like करना शेयर करना चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करना बाय बाय मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में